देश में जारी अनलॉक वन के बीच लोन ईएमआई चुकाने वाले मोहलत के दौरान ब्याज लगेगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से सवाल किया और वही सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और आरबीआई के अधिकारियों से 3 दिनों के भीतर संयुक्त बैठक कर तय करने को कहा कि क्या 31 अगस्त तक ईएमआई के मोहलत के साथ साथ ब्याज में भी मोहलत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों को 3 दिन के भीतर एक संयुक्त बैठक बुलाने के लिए कहा ताकि ये तय किया जा सके कि 31 अगस्त तक 6 महीने की अवधि के दौरान ईएमआई पर ब्याज बैंकों द्वारा वसूला जा सकता है या नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक सुनवाई को स्थगित कर दिया। लॉकडाउन के दौरान लोन की ईएमआई में मिली मोहलत के दौरान इस पर ब्याज लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सवाल किया कि क्या ब्याज पर भी मोहलत दी जा सकती है। कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों से 3 दिन के अंदर बैठक कर ये तय करने को कहा कि क्या 31 अगस्त तक ईएमआई पर दी गई मोहलत के साथ ब्याज पर भी मोहलत दी जा सकती है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो ब्याज माफ करने के लिए नहीं बल्कि टालने की बात कर रहा है। वित्त मंत्रालय और आरबीआई को आपस में बैठक करने को लेकर कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दोनों की बैठक का इंतजाम करें। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होनी है। बता दें पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि आर्थिक पहलू लोगों के स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं है, ये सामान्य समय नहीं है, एक और ईएमआई पर मोहलत दी जा रही है लेकिन ब्याज में कुछ भी नहीं, ये ज्यादा नुकसान वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज़।